दोस्तों, जीवन में तकलीफ क्यों आता है सीखो मेरे दोस्त, बहुत काम आएगा। क्योंकि इस वीडियो में सब बीमारी के बारे में बताई जाती है और सिखाई जाती है। तो डॉक्टर बनना है आप लोगों को तो जरूर सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक, हार्ट अटैक क्यों होता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है लाल मिर्च सब्जी में नहीं डालने के कारण हार्ट अटैक की बीमारी कभी भी और किसी वक्त कहीं पर भी हो सकता है। इसलिए सब्जी में लाल मिर्च जो है वो जरूर डालना चाहिए। सवाल नंबर दो, तेल वाला सामान खाने से कौन सा बीमारी जीवन में नहीं होता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कर देना। दोस्तों इसका सही आंसर है तेल वाला सामान खाने से, यानी सब्जी में डाल करके खाने से कोई भी सामान जो है वो लकवा और फालिस की बीमारी कभी नहीं होती है। इसीलिए तेल वाला सामान जो है वो जरूर खाना चाहिए। सवाल नंबर तीन, कौन सा बीमारी होने पर कच्चा करेले का रस पीने से लगातार जड़ से बीमारी मिट जाती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, शुगर की बीमारी जड़ से मिट जाता है। इसीलिए करेला का रस जो है वो खाली पेट अगर पीना पसंद करते हैं तो पीजिए, नहीं तो इसीलिए शुरू से खाया जाता है। जो लोग नहीं खाते हैं उन्हीं को ये सब बीमारी जो है वो होती रहती है और लग जाती है। जब बीमारी हो जाती है तो बहुत सभी पैसा लग जाता है। इसीलिए दोस्तों आप लोग से मैं हाथ जोड़ करके कहूँगा कि कभी भी और कहीं पर भी आए तो करेला जो है उसकी सब्जी खूब खाएं। सवाल नंबर चार, किसका जीवन पशु के समान है आजकल? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है जो लड़का लड़की नहीं पढ़ा लिखा है आजकल या नहीं पढ़ाई कर रहा है उनका जो जीवन है वो पशु के समान है। इसीलिए दोस्तों आजकल जरूर पढ़ाइए अपने बाल बच्चे को और पढ़ें। सवाल नंबर पांच, किस परिवार के लोग जीवन में स्वस्थ और खुशहाल रहते हैं? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है जिस परिवार के लोग पढ़ा लिखा रहता है उस परिवार के लोग जो है वो हमेशा खुशहाल रहते हैं। इसीलिए दोस्तों आप लोग से हाथ जोड़ करके मैं यही कहूंगा कि अपने बाल बच्चे को शुरू से अंत तक जरूर पढ़ाइए, क्योंकि 10 साल की जिंदगी जो है उनकी बच्चों को वो पढ़ाई में ही लगा दीजिए, नहीं तो बाद में चल करके बहुत तकलीफें बढ़ जाती है। इसीलिए बच्चे लोगों को जरूर पढ़ाइए लिखाइए। दोस्तों जहां भी रहें खुशहाल रहें। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।